सो गाइस, आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ सनी सिंगापुर, जहाँ पर सनी जी महाराज का आज मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ। पीछे की ओर ये मंदिर आपको देखने को मिलता है। तो आज मैं यहाँ पर आया था गाइस। आई होप आज का जो ये व्लॉग अगर आपको पसंद आए एंड अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। हेलो दोस्तों, मैं हूं मेघराज और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं सनी सिंगापुर, जो कि महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। सनी सिंगापुर सनी महाराज की जन्मस्थली मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इसी जगह पर सनी महाराज का जन्म हुआ था। तो आज मैं आपको सनी सिंगापुर दिखाने वाला हूं गाइस। बहुत ही शानदार जगह है और काफ़ी विशालन काफ़ी प्राचीन जगह है, जिसके आज हम दर्शन करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आए और अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जगह काफ़ी अच्छी है और यहाँ पर 50 रुपये के अंदर आपको भरपेट खाना मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी 50 रुपये की फ़ीस पे कर आप यहाँ पर खाना भी खा सकते हैं। और दोस्तों, मंदिर बहुत ही ज़्यादा शानदार है, आप जब चाहो वहाँ आ सकते हो। परमानेंट मंदिर खुला रहता है और यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं, एक भी दुकान पर कभी ताला नहीं लगता है। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि कोबरा का काटा और सनी का मारा कभी पानी नहीं मांगता है। इसी प्रकार सनी महाराज का आज हम दर्शन करने आए थे। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर आने से उस व्यक्ति को जो सनी की छाया होती है वो उसके ऊपर नहीं पड़ती है या उससे थोड़ा बचकर रहता है, इसलिए हम सनी महाराज के दर्शन करने आए थे। आई होप गाइज, बहुत ही शानदार जगह है और मैं आगे चलकर इस व्लॉग के अंदर आपको सनी महाराज के दर्शन कराने वाला हूँ, जो कि बहुत ही शानदार जन्मस्थली है और बहुत ही शानदार मंदिर आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी टीवी सीरियल्स में भी आपने देखा होगा, काफी जगह पर मंदिर के सीन्स देखे होंगे, लेकिन मैं आपको प्रॉपर जगह दिखाने वाला हूं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ये दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ पर मंदिर आपको देखने को मिलेगा। ये देख सकते हो इस टाइप से यहाँ पर ये सीन है और इस सामने की ओर हमें देखने को मिलता है ओम शम शनिश्चराय नमः, और यहाँ पर सनी महाराज का मंदिर हमें देखने को मिलता है। ये कुछ इस टाइप की जगह है जहाँ से आपको मंदिर देखने को मिलेगा। मैं आपको मंदिर के दर्शन कराने वाला हूँ साथ ही गाइज। सो गाइज, यहाँ पर देख सकते हो ये हुंडी दान पात्र आपको देखने को मिल जाता है। बड़े बड़े यहाँ पर हुंडी नुमा ये रखे हुए हैं और मंदिर बहुत ही विशाल एंड काफ़ी प्राचीन मंदिर है, जिसके आज हम दर्शन करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो इस वाले एरिया के माध्यम से आपको आना होगा और यहाँ से आप सनी महाराज के दर्शन करेंगे। वो बहुत ही शानदार स्थान है जहाँ पर आज आने वाले हैं। और दोस्तों, यहाँ पर लगभग 20 रुपये 50 रुपये आप अपनी श्रद्धा अनुसार प्रसाद ले सकते हैं। प्रसाद की अलग अलग रेटें यहाँ पर देखने को मिलती है। आप कुछ डोनेशन करना चाहते हैं तो वो डोनेशन भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको मंदिर के दर्शन कराता हूँ और मंदिर आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देख सकते हो दोस्तों, ये है सनी महाराज का मंदिर, जो कि कुछ इस टाइप से है ओम सम शनिश्चराय नमः, और सामने की ओर आपको ये मंदिर देखने को मिलता है। इस प्रकार यहाँ पर तेल चढ़ाया जाता है। आप किसी भी टाइप का तेल लाकर यहाँ पर चढ़ाइए और अपनी मनोकामना पूर्ण करिए। इस टाइप से सनी महाराज के ऊपर तेल चढ़ाया जाता है। जैसे यहाँ पर चढ़ाया जा रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस टाइप से तेल चढ़ाकर आप सनी महाराज से अपनी मनोकामना मांग सकते हैं। तो दोस्तों, ये था कुछ मंदिर का सीन, जो कि काफ़ी प्राचीन काफ़ी विशाल मंदिर है। आई होप गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए और अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ से देख सकते हो कुछ इस टाइप से सीन हमें देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।